morning, students. Our next chapter, this is the second last chapter in our course, chapter number 9, Planning and Sustainable Development in Indian Context. So, let us begin. The word planning is not new to you as it is a part of everyday usage. You must have used it with reference to preparation for your examination or visit to a hill station. It involves the process of thinking, formulation of a scheme or program, and implementation of a set of actions to achieve some goal. Though it is a very broad term, in this chapter it has been used with reference to the process of economic development. It is thus different from the traditional hit and miss methods by which reforms and reconstruction are often undertaken. तो इस चैप्टर में हम प्लानिंग की बात करेंगे, प्लानिंग की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, क्या प्रोसेस थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उसकी प्लानिंग के बारे में, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया में कैसे किया जा सकता है. ओके, so let us read. On 1st January 2015, the Niti Aayog was formed. 1st January 2015 को Niti Aayog बनाया गया था, है ना? तो इसके अकॉर्डिंग क्या था? India adopted a centralized planning after independence, but subsequently it graduated into decentralized multi-level planning. The responsibility of plan formulation was with the planning commission at the center, state and district levels. But on 1st January 2015, the planning commission was replaced by the Niti Aayog. Niti Aayog has been set up with the objective of involving the states in economic policy making for India, for providing strategic and technical advice to the central and state governments. तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उस समय इंडिया ने एक पूरा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम अडॉप्ट किया था. हर चीज का एक सेंट्रलाइज्ड वो था कि सब वर्किंग जो थी मेन गवर्नमेंट की जो भी थी वो सेंट्रलाइज्ड थी. लेकिन 1st जनवरी 2050 को उस प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग सेटअप किया गया. इस नीति आयोग के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी इंडिपेंडेंस के बाद उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया. डिसेंट्रलाइज की पावर्स स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर भी दिए गए. ओके, सो दिस इज व्हाट इट मींस. और इसका क्या ऑब्जेक्टिव था नीति आयोग का कि स्टेट्स को भी इन्वॉल्व करना इकोनॉमिक पॉलिसीज में और इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल एडवाइस दी जाए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, मतलब हर तरह से सपोर्ट मिले. उसको वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया. जनरली देर आर टू अप्रोचेस टू प्लानिंग, दैट इज सेक्टोरल प्लानिंग एंड रीजनल प्लानिंग. सेक्टोरल प्लानिंग मीन्स फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेट्स ऑफ स्कीम्स और प्रोग्राम्स एम्ड एट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी such as agriculture, irrigation, manufacturing, power, construction, transport, communication, social infrastructure and services. अब दो approaches होते हैं planning के, एक sectoral, एक regional. Sectoral planning क्या हुआ? हर sector का, sector के में different sectors में various schemes और programs बनाना, जो वो अपने अपने sector का development को देखें. चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे इरिगेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, पावर हो, कंस्ट्रक्शन हो, ट्रांसपोर्ट हो, कोई भी सेक्टर हो. देयर इज नो यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर स्पेस इन एनी कंट्री. सम एरियाज आर मोर डेवलप्ड एंड सम लैग बिहाइंड. दिस अनइवन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ओवर स्पेस नेसेसिटेट्स दैट द प्लानर्स हैव अ स्पेशल पर्सपेक्टिव एंड ड्रॉ प्लान्स टू रिड्यूस regional imbalance in the development. This type of planning is termed as regional planning. अब regional planning क्या था कि जो differences थे हर एक region में, कोई region तो बहुत developed था, कोई बहुत पीछे था, तो ये जो uneven pattern था development का, इसको दूर करना,
इसमें क्या था, रीजनल, हर रीजन वाइज प्लानिंग करना कि उस एरिया को कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो दो तरह की प्लानिंग थी, सेक्टोरल एंड रीजनल। नेक्स्ट इज टारगेट एरियाज प्लानिंग। द प्लानिंग प्रोसेस हैज टू टेक स्पेशल केयर ऑफ दोज एरियाज विच हैव रिमेन्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। एज यू नो द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन डिपेंड्स अपॉन इट्स रिसोर्स बेस, बट समटाइम्स रिसोर्स रिच रीजन्स ऑल्सो रिमेन बैकवर्ड। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट बिसाइड्स रिसोर्सेज। विद द प्लानिंग एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 1.5 डिकेड्स, इट वॉज रियलाइज दैट रीजनल इम्बैलेंसेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर गेटिंग एसेंचुएटेड। In order to arrest the accentuation of regional and social disparities, the Planning Commission introduced the target area and target group approaches to planning. Some of the examples of programs directed towards the development of target areas are Command Area Development Program, Drought Prone Area Development Program, Desert Development Program, Hill Area Development Program, Small Farmers Development Agency and Marginal Farmers Development Agency, which are the examples of target group programs. In the 8th five-year plan, special area programs were designed to develop infrastructure in hill areas, northeastern states, tribal areas and backward areas. What is target area planning? एक्चुअली हमारे इंडिपेंडेंस के बाद थोड़े टाइम बाद ये रियलाइज किया गया कि रीजनल इम्बैलेंसेस बहुत हो रहे हैं, कोई कोई रीजन में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और कहीं पे बहुत कम हो रहा है। तो इस वजह से इन डिस्पैरिटीज को दूर करने के लिए टारगेट एरिया का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। प्लानिंग कमीशन ने कुछ एरियाज ऐसे बनाए जिनको नाम दिया गया टारगेट एरियाज और कुछ टारगेट ग्रुप्स बनाए। इन टारगेट ग्रुप्स ने इन टारगेट एरियाज में जाकर उनको चेक करा वहां पे क्या कमी थी, है ना, और इन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए ध्यान दिया गया। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, कमांड एरिया जैसे डिफरेंट प्रोग्राम्स स्टार्ट किए, फॉर एग्जांपल कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जहाँ ड्रॉट ज्यादा आता था तो वहां पे कैसे डेवलपमेंट किया जाए, कोई डेजर्ट एरिया है तो वहां कैसे डेवलपमेंट किया जाए, कोई हिली एरिया है तो वहां कैसे डेवलपमेंट किया जाए, इस तरह से अलग अलग प्रोग्राम्स स्टार्ट किए। और जो 8th फाइव ईयर प्लान था वो स्पेशल एरिया प्रोग्राम्स उसके अंदर डिजाइन किए गए जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जाए इन हिली एरियाज एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड ट्राइबल एरियाज एंड बैकवर्ड एरियाज में, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या था, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वर इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 5th फाइव ईयर प्लान कवरिंग 15 डिस्ट्रिक्ट्स कंप्राइजिंग ऑल द हिली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश प्रेजेंट उत्तराखंड, मिखिर हिल एंड नॉर्थ काचर हिल्स ऑफ असम, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, है ना। तो जो भी हिली एरियाज थे उनके डेवलपमेंट, उन एरियाज में डेवलपमेंट करने के लिए ये हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया और इसके अंदर 15 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया। जो भी हिली डिस्ट्रिक्ट्स है जैसे यूपी के अंदर मिखिल हिल, नॉर्थ काचर हिल्स, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरीज। द नेशनल कमिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया इन 1981 recommended that all the hill areas in the country having height above 600 meters and not covered under tribal sub plan be treated as backward hill areas. तो इसमें किन hill areas को backward की category में डाला गया, जो भी hills जिनकी height 600 meter से ज्यादा है और जो tribal sub plan के under में नहीं आते हैं तो इन सबको backward hill areas की category में डाला गया। द डिटेल्ड प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिल एरियाज वर ड्रॉन कीपिंग इन व्यू दैट टोपोग्राफिकल इकोलॉजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, है ना, उनकी इन कंडीशंस को भी ध्यान दे रखा गया कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ की इकोलॉजिकल कंडीशंस कैसी है, वहाँ की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है।
These programs aimed at harnessing the indigenous resources of the hill areas through development of horticulture, plantation, agriculture, animal husbandry, poultry, forestry and small scale and village industries. वहाँ पे different development programs भी start किए गए, जैसे horticulture है, agriculture, animal husbandry, poultry, forestry और small scale village industries. Next was drought prone area program. This program was initiated during the 4th 5-year plan with the objectives of providing employment to the people in drought prone areas and creating productive assets. Initially, this program laid emphasis on the construction of labor intensive civil works, but later on it emphasized on irrigation projects, land development programs, afforestation, grassland development and creation of basic rural infrastructure such as electricity, roads, market, credit and services. तो drought prone areas में कैसे programs start किए, ये 4th 5-year plan में ये project लिया गया. और यहाँ पे क्या था, मेन एम इनका ये था कि जो जिन एरियाज़ में बहुत ड्रॉट है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत सूखा है, तो वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना. तो वहाँ लेबर इंटेंसिव प्रोग्राम स्टार्ट किए जिन पे मज़दूर लेबर ज़्यादा ज़रूरत होती है ना. और फिर वहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को बहुत डेवलप किया गया, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए, अफॉरेस्टेशन, ग्रासलैंड डेवलपमेंट, तो इस तरह के कई प्रोग्राम स्टार्ट किए गए. और वहाँ का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अच्छा किया गया. रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है वहाँ की सड़कें, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, वहाँ का मार्केट, क्रेडिट फैसिलिटीज़, इन सब की ओर ध्यान दिया गया. नाउ द नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज रिव्यूड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्रोग्राम. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड that this program is largely confined to the development of agriculture and allied sectors. तो ये जितने भी programs थे backward areas में, यहाँ पर agriculture और उससे related sector की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया, with major focus on restoration of ecological balance. Since growing population pressure is forcing the society to utilize the marginal lands for agriculture and hereby causing ecological degradation, there is a need to create alternative employment opportunities in the drought-prone areas. तो वो यहाँ पे ज़्यादा जोर थी employment, जिसे ज़्यादा generate किया जाए, ऐसे programs को start किया जाए. The other strategies of development of these areas include adoption of integrated watershed development approach at the micro level. The restoration of ecological balance between water, soil, plants and human and animal population should be a basic consideration in the strategy of development of drought prone areas. तो यहाँ पे काफ़ी तरह के इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किए, वाटरशेड डेवलपमेंट स्टार्ट किया, जिससे वहाँ पे उनका इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन किया जाए, वहाँ पे पानी की कमी ना हो, प्रॉपर एग्रीकल्चर की जाए और प्लांट्स, ह्यूमन और एनिमल पॉपुलेशन का जो बेसिक जो कंसिडरेशन है, उस तरह के प्रोग्राम्स को वहाँ स्टार्ट किया गया. द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1967, इट आइडेंटिफाइड 67 डिस्ट्रिक्ट्स entire or partly of the country prone to drought. तो ऐसे 67 districts को point out किया गया जहाँ पे drought conditions हैं. The Irrigation Commission in 1972, it introduced the criteria of 30% irrigated area and demarcated the drought prone areas. Broadly, the drought prone area in India spread over semi-arid and arid tract of Rajasthan, Gujarat, Western MP, Marathwada region of Maharashtra, Rail Seema and Telangana plateaus of Andhra Pradesh, Karnataka, plateau and highland and interior parts of Tamil Nadu. The drought-prone areas of Punjab, Haryana and North Rajasthan are largely protected due to spread of irrigation in these regions. तो कहीं कहीं पे इरिगेशन बहुत डेवलप हो गया और उससे उन एरियाज़ पे प्रॉपर एग्रीकल्चर की जाने लगी, तो
जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया थी 1967 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया और इरिगेशन कमीशन ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया कि एटलीस्ट 30% इरिगेटेड एरिया होना चाहिए और उन डिमार्केट किया कि कौन कौन से ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं। लेट अस रीड द केस स्टडी ऑफ भरमौर रीजन। भरमौर ट्राइबल एरिया कंप्राइजेस ऑफ भरमौर एंड होली तहसील्स ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट इज़ अ नोटिफाइड ट्राइबल एरिया सिंस 21 नवंबर 1975। भरमौर इज इनहैबिटेड बाई गड्डी अ ट्राइबल कम्युनिटी हु हैव मेंटेन्ड अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन द हिमालयन रीजन्स एज दे प्रैक्टिस ट्रांस ह्यूमन्स एंड कन्वर्स्ड थ्रू गड्डियाली डायलैक्ट। तो ये जो गड्डी ट्राइबल कम्युनिटी है इनकी गड्डियाली डायलैक्ट है, मतलब लैंग्वेज है जो ये बोलते हैं, और ये कम्युनिटी 21 नवंबर 1975 में इसको फाइंड आउट किया था कि ये कम्युनिटी है, इनकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है हिमालयन रीजन में, और वहाँ पे ये एक जगह से दूसरे एरिया में मूव करते हैं। भरमौर ट्राइबल रीजन हैज़ हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, लो रिसोर्स बेस एंड फ्रगाइल एनवायरनमेंट। दीज फैक्टर्स हैव इन्फ्लुएंस द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ द रीजन। तो ये भरमौर ट्राइबल रीजन जो है यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशंस बहुत ख़राब हैं, रिसोर्सेज इनके पास बहुत कम है और क्लाइमेटिक एनवायरनमेंटल कंडीशंस भी बहुत नाजुक हालत है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ भरमौर सब डिविजन वॉज 39,113, दैट इज 21% पर स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिस्टोरिकली द गड्डीज हैव एक्सपीरियंस जोग्राफिकल एंड पोलिटिकल आइसोलेशन एंड सोशो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन। तो हिस्टोरिकली गड्डीज जो हैं ये बिल्कुल सबसे अलग लाइफ लीड करते हैं, सबसे अलग रहते हैं, पॉलिटिकल आइसोलेशन है ना, ये किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं पॉलिटिक्स में या कुछ में, और सोशली ये बिल्कुल डिप्राइव्ड हैं। द इकोनॉमी इज लार्जली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ सच एज शीप एंड गोट रेयरिंग। तो सिर्फ ये एग्रीकल्चर करते हैं और शीप और गोट को रेयर करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ भरमौर स्टार्टेड इन 1970s when Gaddis were included among scheduled tribes. Under the fifth five-year plan, the tribal sub-plan was introduced in 1974 and Bharmaur was designated as one of the five integrated tribal development projects. 1974 mein isko jo five integrated tribal development projects liye gaye the usme include kiya gaya in Himachal Pradesh. This area development plan was aimed at improving the quality of life of the Gaddis and narrowing the gap in the level of development between Bharmaur and other areas of Himachal Pradesh. The main aim is project ka tha ki inka Bharmaur region ka development ho aur jo ek gap bana hua tha Himachal Pradesh ke dusre areas se us gap ko khatam kiya jaye. This plan laid the highest priority on development of transport and communications, agriculture and allied activities and social and community services. तो इनने ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशंस को डेवलप किया, एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज को इम्प्रूव किया और सोशल और कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करी. The most significant contribution of tribal sub plan in Bharmaur region is the development of infrastructure in terms of school, healthcare facilities, potable water, roads, communications and electricity. तो यहाँ पे roads को improve किया गया, schools start किए गए, healthcare facilities provide करी, पीने के पानी इनको provide करा, electricity develop की. But the villages located along the river Ravi in Holi and Khani areas are the main beneficiaries of infrastructural development. The remote villages in Tunda and Kukti areas still do not have sufficient infrastructure. The social benefits derived from ITDP include tremendous increase in literacy rate, improvement in sex ratio, and decline in child marriage.
The female literacy rate in the region increased from 1.88% in 1971 to 65% in 2011. The difference between males and females in literacy rate, that is gender inequality, has also declined. Traditionally, the Gaddis had subsistence agriculture come pastoral economy, having emphasis on food grains and livestock production. तो देखो यहाँ धीरे धीरे बहुत डेवलपमेंट होने लगा, फीमेल लिटरेसी रेट भी बहुत इंक्रीज हो गई है ना, तो हर ओर से डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे. बट ड्यूरिंग द लास्ट थ्री डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी द कल्टिवेशन ऑफ पल्सेस एंड अदर कैश क्रॉप्स हैज इंक्रीज इन भरमौर रीजन. बट द क्रॉप कल्टिवेशन इज स्टिल डन विद ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी. द declining importance of pastoralism in the economy of the region can be gauged from the fact that at present only about 1/10 of the total households practice transhumance. But the Gaddis are still very mobile, as a sizable section of them migrate to Kangra and surrounding areas during winter to earn their livings from wage labor. तो अब भी ऐसा है कि 10% गड्डीज अभी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और उनकी लाइफ काफ़ी मोबाइल है. और कई लोग जब विंटर्स आते हैं तो दे माइग्रेट टू कांगड़ा एंड सराउंडिंग एरियाज, जिससे वो अपनी अर्निंग्स कर सकें एज वेज लेबरर्स. नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. द टर्म डेवलपमेंट इज जनरली यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटीज and the process of changes experienced by them. During a fairly large period of human history, the state of the societies has largely been determined by the interaction processes between human societies and their biophysical environment. The processes of human environment interaction depend upon the level of technology and institutions nurtured by the society. While the technology and institutions have helped in increasing the pace of human-environment interaction, the momentum thus generated in return has accelerated technological progress and transformation and creation of institutions. Hence, development is a multidimensional concept and signifies the positive, irreversible transformation of the economy, society and environment. Sustainable development kis pe depend karta hai? Interaction processes between human societies and their physical environment. Aur ye jo interaction hai, jo environment ka interaction hai human beings ka, it depended upon the development of technology. Kitni technology developed hai, कितने इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड है किसी सोसाइटी में. जैसे जैसे इंक्रीज होता गया ह्यूमन एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और इंक्रीज हुई तो उससे इनका इंटरेक्शन भी बढ़ने लगा. द मोमेंटम देखो, व्हाइल द टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस हैव हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द पेस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन. सो अब क्या है कि अब ये जो प्रोसेस है इसने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को भी बहुत एक्सेलरेट कर दिया है एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस. जो इंस्टीट्यूशंस जो बने हुए हैं उनको भी ट्रांसफॉर्म कर दिया है और बहुत सारे नए इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो गए हैं. तो डेवलपमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है ना. उससे क्या हुआ कि इट सिग्निफाइज पॉजिटिव इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी, सोसाइटी और एनवायरनमेंट. इकोनॉमी, सोसाइटी और एनवायरनमेंट का एक अलग ही इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा है ना. तो ये समझ में आया ना कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलप हुआ, जैसे जैसे और इंस्टीट्यूशंस मैन ह्यूमन बीइंग्स बनाने लगे, तो उससे क्या हुआ, इंटरेक्शन भी एनवायरनमेंट के साथ एक डिफरेंट टाइप से इंटरेक्शन होने लगा, ठीक है ना. और जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता गया तो एक पॉजिटिव इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा. किस में आने लगा, इकोनॉमी में, सोसाइटी में और एनवायरनमेंट में. द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज डायनेमिक. जो कंसेप्ट है डेवलपमेंट का वो डायनेमिक है एंड हैज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू ईरा द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट वॉज सिनोनिमस टू इकोनॉमिक ग्रोथ, which is measured in terms of temporal increase in gross national product.
and per capita income, per capita consumption. But even the countries having high economic growth experience speedy rise in poverty because of its unequal distribution. So in 1970s, the phrases such as redistribution with growth and growth and equity were incorporated and in the definition of development. While dealing with the questions related to redistribution and equity, it was realized that the concept of development cannot be restricted to the economic sphere alone. It also includes the issues such as improving the well-being and living standard of people, availing of the health, education, and equality of opportunity, and ensuring political and civil rights. By 1980s, development emerged as a concept encapsulating widespread improvement in social as well as material well-being of all in a society. So students, jo concept jo tha development ka, wo dynamic raha shuru se, wo thode thode time mein change hota raha wo concept. Pehle kya tha, shuru mein only stress was laid more on per capita income, per capita consumption, hai na? And that is national, gross national product. उस पे ज़्यादा स्ट्रेस था. फिर धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद 1970s में इस कंसेप्ट को चेंज किया और इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ एंड इक्विटी इसको इंक्लूड किया गया. लेकिन धीरे धीरे अब ये कंसेप्ट और भी चेंज हो गया है. अब इसके अंदर सिर्फ पर कैपिटा इनकम को इम्पोर्टेंस ना देते हुए लोगों की वेल बींग, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इंश्योरिंग पोलिटिकल एंड सिविल राइट्स, इन सब बातों को भी इंक्लूड किया गया व्हेन वी कैलकुलेट द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री. नोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एमर्ज्ड इन द वेक ऑफ जनरल राइज इन द अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज इन द लेट 1960s इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. इट रिफ्लेक्टेड द कंसर्न ऑफ पीपल about undesirable effects of industrial development on the environment. The publication of the Population Bomb by Ehrlich in 1968 and the Limits to Growth by Meadows and others in 1972 further raised the level of fear among environmentalists in particular and people in general. This sets the scenario for the emergence of new models of development under a broad phrase of sustainable development. जो sustainable development का जो idea था वो 1960s के बाद raise होने लगा और उसके बाद कुछ books भी लिखी जाने लगी, जैसी Ehrlich ने लिखी थी The Population Bomb and Meadows ने The Limits to Growth. इसके अंदर जो environmentalists थे they became quite actually they raised their voice about sustainable development और लोगों में भी एक fear create होने लगा कि हम जिस तरह से resources को use कर रहे हैं तो a day will come when all the resources will come to an end. So this concept of sustainable development it was risen. Concerned with the growing opinion of the world community on the environmental issues, the United Nations established a World Commission on Environment and Development headed by the Norwegian Prime Minister Gro Harlem Brundtland. Commission gave its report, also known as the Brundtland Report, entitled Our Common Future in 1987. ये Brundtland की report के बारे में आपने 10th class में भी पढ़ा होगा. तो Brundtland report जो है Norwegian Prime Minister ग्रो हार्लेम ब्रंडलैंड ने फॉरवर्ड करी थी और इस रिपोर्ट में द रिपोर्ट क्लियरली डिफाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स. इस रिपोर्ट में क्लियर कहा गया था कि आज की नीड्स उस तरह से फुलफिल हमें करनी चाहिए कि हम फ्यूचर जनरेशंस की ज़रूरतों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, उनके लिए ज़रूर हम कुछ बचा कर रखें जिससे उन लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं हो. सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, रिसोर्सेज का, वाटर का,
हर चीज का. सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्स केयर ऑफ इकोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. तो इसका मतलब ही यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा हो कि आज भी हम यूज़ करें और फ्यूचर जनरेशन्स का भी ध्यान रखें. फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज टू एनेबल द फ्यूचर जनरेशन टू यूज़ दीज रिसोर्सेज इट टेक्स इनटू अकाउंट द डेवलपमेंट ऑफ होल ह्यूमन काइंड विच हैव अ कॉमन फ्यूचर. नाउ लेट्स रीड अबाउट केस स्टडीज. फर्स्ट इज इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया. इंदिरा गांधी कैनाल प्रीवियसली नोन एज द राजस्थान कैनाल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम्स इन इंडिया. कंसीव्ड बाय कंवर सेन इन 1948 द कैनाल प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 31st March 1958. द कैनाल ओरिजिनेट्स एट हरीके बैराज इन पंजाब एंड रन्स पैरेलल इन पाकिस्तान टू पाकिस्तान बॉर्डर at an average distance of 40 kilometers in Thar Desert, Marusthali area of Rajasthan. The total planned length of the system is 9,060 kilometers, catering to the irrigation needs of a total cultivable command area of 19.63 lakh hectares. Out of the total command area, about 70% was envisaged to be irrigated by flow system and the rest by lift system. The construction work of the canal system has been carried out through two stages. The command area of stage 1 lies in Ganganagar, Hanumangarh and northern part of Bikaner districts. It has a gently undulating topography and its cultivable command area is 5.53 lakh hectares. The command area of stage 2 is spread over Bikaner, Jaisalmer, Barmer, Jodhpur, Nagaur and Churu districts covering cultivable command area of 14.10 lakh hectares. It comprises desert land dotted with shifting sand dunes and temperature soaring to 50 degrees centigrade in summers. In the lift canal, the water is lifted up to make it flow against the slope of the land. All the lift canals of Indira Gandhi canal system originate at the left bank of the main canal, while all the canals on the right bank of the main canal are flow channels. Irrigation in stage 1 command area of the canal was introduced in early 1960s, whereas the command area of stage 2 began receiving irrigation in mid-1980s. The introduction of canal irrigation in this dry land has transformed its ecology, economy and society. It has influenced the environmental conditions of the region both positively as well as negatively. The availability of soil moisture for a longer period of time and various afforestation and pasture development programs under CAD have resulted in greening the land. This has also helped in reducing wind erosion and siltation of canal systems. But the intensive irrigation and excessive use of water has led to the emergence of twin environmental problems of water logging and soil salinity. Introduction of canal irrigation has brought about a perceptible transformation in the agricultural economy of the region. Soil moisture has been a limiting factor in successful growing of crops in this area. Spread of canal irrigation has led to increase in cultivated area and intensity of cropping. तो जैसे कि हमने पढ़ा कि इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम एक लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम है इंडिया का और इसको दो स्टेजेस में कंप्लीट किया गया. First stage lies in Ganganagar, Hanumangarh and northern part of Bikaner. And second stage ka command area hai, it is in Bikaner, Jaisalmer, Barmer, Jodhpur, Nagaur and Churu districts. Stage first mein irrigation 1960 mein start hui thi. Stage two ki irrigation 1980 mein start ho gayi thi. Halanki Indira Gandhi canal ke bahut sare positive
इम्पैक्ट रहा, लेकिन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहा। पॉजिटिव ये रहा कि वहाँ पे इरिगेशन अवेलेबिलिटी होने से फॉरेस्टेशन और बहुत सारे पास्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए, इससे विंड इरोशन रिड्यूस हो गया, हर जगह ग्रीनरी हो गई, बहुत ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी से एक साउंड रोटेशन ऑफ क्रॉप्स ग्रो करने लगे। जहाँ पहले कम वाटर अवेलेबिलिटी की क्रॉप्स ग्रो करते थे, वहाँ सिस्टमैटिकली अच्छे से कल्टिवेशन होने लगा और सल्टेशन की प्रॉब्लम भी बंद हो गई। लेकिन क्योंकि ज़्यादा पानी मिलने से उस एरिया में वाटर लॉगिंग और सॉयल सैलिनिटी जैसी प्रॉब्लम्स आने लगी। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ कैनाल इरिगेशन has brought about a perceptible transformation in the agricultural economy of the region. Soil moisture has been a limiting factor in successful growing of crops in this area. Spread of canal irrigation has led to increase in cultivated area and intensity of cropping. The traditional crops sown in the area, gram, bajra, jawar, have been replaced by wheat, cotton, groundnut and rice. This is the result of intensive irrigation. This intensive irrigation, no doubt, initially has led to tremendous increase in agricultural and livestock productivity. This has also caused water logging and soil salinity, and thus in the long run it hampers the sustainability of agriculture. Measures for promotion of sustainable development. The ecological sustainability of Indira Gandhi Canal project has been questioned by various scholars. Their point of view has also largely been validated by the course of development this region has undertaken during the last four decades, which has resulted in degradation of the physical environment. It is a hard fact that attaining sustainable development in the command area requires major thrust upon the measures to achieve ecological sustainability. Hence, five of the seven measures proposed to promote sustainable development in the command area are meant to restore ecological balance. The first requirement is strict implementation of water judgment policy. The canal project envisages protective irrigation in stage 1 and extensive irrigation of crops and pasture development in stage 2. Second, in general, the cropping pattern shall not include water-intensive crops. It shall be adhered to and people shall be encouraged to grow plantation crops such as citrus fruits. Third, the CAD programs such as lining of water courses, land development and leveling and warabandi system, equal distribution of canal water in the command area of outlet, shall be effectively implemented to reduce the conveyance loss of water. The areas affected by water logging and soil salinity shall be reclaimed. Fifth, the eco-development through afforestation, shelter belt, plantation and pasture development is necessary, particularly in the fragile environment of stage 2. Sixth, the social sustainability in the region can be achieved only if the land allottees having poor economic background are provided adequate financial and institutional support for cultivation of land. And seventh, the economic sustainability in the region cannot be attained only through development of agriculture and animal husbandry. The agricultural and allied activities have to develop along with other sectors of the economy. This shall lead to diversification of economic base and establishment of functional linkages between basic villages, agro-service centers and market centers. तो देखा ना, इसके लिए कुछ measures लिए गए, कुछ steps लिए गए जिससे वहाँ पर sustainable development हो सके, है ना। soil salinity को, जो land soil salinity से affected था उसको वापस reclaim किया गया, various development programs start किए गए, बहुत water intensive crops नहीं grow करी गई, उसकी जगह plantation crops को encourage किया गया,
ठीक है ना, ऐसे करके कुछ स्टेप्स यहाँ लिए गए, 7 स्टेप्स. तो दिस फिनिशेस आवर चैप्टर. थैंक यू चिल्ड्रन.